मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ रहे हैं हमारे आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, सो दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं विटामिंस एंड मिनरल्स। सो मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वी हैव विटामिंस एंड मिनरल्स। विल टॉक ऑन द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारे इसमें आ गए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट के बेसिक यूनिट होती है सैकराइड्स। तो अगर एक सैकराइड हो तो इसे बोलते हैं मोनोसैकराइड। सो बोलेंगे मोनोसैकराइड अगर एक ही यूनिट हो। मोनोसैकराइड 2 से 10 यूनिट हो तो बोलेंगे ओलिगोसैकराइड। अगर 10 से भी ज़्यादा यूनिट हो तो बोलेंगे पॉलीसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड के एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। सो दीज आर मोनोसैकराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। देन ओलिगोसैकराइड जो 2 से 10 यूनिट होते हैं इसमें होता है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। तो सुक्रोज बनता है हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, तो हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलकर बनाएगा सुक्रोज। देन हमारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलकर बनाता है लैक्टोज। एंड देन हमारा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज मिलकर बनाता है माल्टोज। सो पॉलीसैकराइड अगर 10 से ज़्यादा यूनिट हो सैकराइड्स के तो बोलेंगे पॉलीसैकराइड्स। एक होता है हमारा स्टार्च। स्टार्च आपको सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, ग्लाइकोजन सिर्फ एलिमेंट्स में मिलता है। स्टार्च बनता है ग्लूकोज से एंड ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से बनता है एंड सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से बनता है। लेकिन हमें जो याद रखना है स्टार्च प्लांट्स में मिलता है, ग्लूकोज सेल्यूलोज भी सिर्फ प्लांट्स में मिलता है। तो स्टार्च एंड सेल्यूलोज फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन हमें एनिमल्स में मिलता है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के दो फंक्शन है स्टोरेज का, कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है तो वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड प्लांट्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एंड सेलुलोज क्या है, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। इट इज़ ऑल्सो ओनली फाउंड इन प्लांट्स। एंड जो ओलिगोसैकराइड बनते हैं मोनोसैकराइड्स के जुड़ने से बनते हैं एंड ये जुड़ते हैं बाई अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वी मस्ट रिमेंबर देयर जॉइंट बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड में वी हैव ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ओलिगोसैकराइड वी हैव सुक्रोज, सुक्रोज मेड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, लैक्टोज फ्रॉम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, माल्टोज फ्रॉम ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। एंड पॉलीसैकराइड के टाइप में स्टार्च मेड ऑफ ग्लूकोज प्लांट्स में मिलता है, देन ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से बनता है एनिमल्स में मिलता है, सेलुलोज ग्लूकोज से बनता है प्लांट्स। तो तीनों ही ग्लूकोज से बन रहे हैं एंड फंक्शन अलग है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज एंड सेलुलोज सेल वॉल, सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। तो स्टार्च एंड सेलुलोज सिर्फ आपको प्लांट्स में मिलेगा एंड ग्लाइकोजन जो है आपको सिर्फ एनिमल्स में मिलेगा। सो वी हैव सीन न्यूट्रिएंट्स, टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में। मैक्रो एंड माइक्रो बोथ आर इंपॉर्टेंट, बस क्वांटिटी में अंतर होता है। मैक्रो में ज़्यादा क्वांटिटी मिले होने होते हैं, माइक्रो कम क्वांटिटी में। तो मैक्रो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, एंड माइक्रो होते हैं विटामिंस एंड मिनरल्स। तो पहले सबसे बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट के। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इट इज़ मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ये ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मीन्स इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। सो कार्बोहाइड्रेट इज अ नेचुरल अकरिंग कंपाउंड, इट्स अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ बॉडी एनर्जी इन द बॉडी। सो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अपनी बॉडी में है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की सिंपलिस्टिक फॉर्म होती है, ये होते हैं सैकराइड्स। तो बहुत सारे सैकराइड्स जो उनके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर एक ही सैकराइड हो तो बोलेंगे मोनोसैकराइड। वन यूनिट अगर दो यूनिट हो तो 2 से 10 यूनिट हो तो बोलेंगे ओलिगोसैकराइड्स। और ये जुड़ते हैं बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वी मस्ट रिमेंबर कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड एक दूसरे से जुड़ते हैं बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर 2 से 10 यूनिट जुड़ रही है तो ओलिगोसैकराइड, अगर 2 से 10 से ज़्यादा यूनिट जुड़ रही है तो पॉलीमर लाइक चेन बनेगी, इसे बोलते हैं पॉलीसैकराइड्स। ये जुड़ते हैं बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो एग्जाम्पल है मोनोसैकराइड के ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, क्रूड शुगर जो हमारी होती है वो है फ्रक्टोज, क्रूड शुगर फ्रक्टोज होती है। गैलेक्टोज हमें मिल्क में मिलता है गैलेक्टोज। देन सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज हमारा क्या होता है, इट इज़ अ पॉलीसैकराइड, ये बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। जो हमारी कॉमन टेबल शुगर होती है जो हम चीनी यूज़ करते हैं वो हमारी होती है सुक्रोज। देन लैक्टोज, लैक्टोज हमें मिल्क में मिलता है, बनता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमारा बनाता है सुक्रोज एंड ग्लूकोड, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनाता है हमारा लैक्टोज। एंड वी हैव माल्टोज, माल्टोज मेड ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। माल्टोज में ग्लूकोज ही ग्लूकोज जुड़े होते हैं तो इट मीन्स माल्टोज। सो माल्टोज ही फाउंड इन माल्ट बेस्ड सिरप, जो सिरप्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉर्न सिरप, तो वहाँ पे माल्टोज होता है जो बनता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से। फिर कुछ लोग होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो इनके पास एंजाइम नहीं होता दैट कैन ब्रेक द लैक्टोज डाउन इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो लैक्टोज को ब्रेक नहीं कर पाते ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दे कैन नॉट डाइजेस्ट। देयरफॉर दिस काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंट। देन वी हैव सीन पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स में वी हैव स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, इट्स अ ग्लूकोज स्टोर इन द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इन द एनिमल बॉडी ग्लूकोज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। तो ये सारे क्या है, पॉलीसैकराइड इज मेड ऑफ ग्लूकोज ओनली, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। सो यू मस्ट रिमेंबर ग्लाइकोजन इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स, स्टार्च ओनली इन प्लांट्स एंड सेलुलोज ओनली इन प्लांट्स। तो फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजन स्टार्च का स्टोरेज, ग्लूकोज जो भी है प्लांट में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड एनिमल बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एंड प्लांट्स जो वॉल इट मेड ऑफ सेलुलोज, ये भी ग्लूकोज से बनता है, ये पॉलीमर है ग्लूकोज का। एंड जो हमारी सेल वॉल होती है प्लांट्स में इट मेड ऑफ सेलुलोज।
सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोजन स्टार्च एंड सेलुलोज़.